MS धोनी और वानखेड़े स्टेडियम। ये कहानी कुछ सालों पहले की है, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल और महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग छक्का। इंडिया वर्ल्ड कप जीती बहुत सालों बाद। बस तब से लेके अब तक होम ग्राउंड ये मुंबई इंडियंस का है, बट जब जब माही भाई बैटिंग करने आते हैं CSK के लिए, ऐसा कभी लगा नहीं ये मुंबई का होम ग्राउंड है। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धोनी अकेले ऐसे क्रिकेटर है, सारा इंडिया ही उनका होम ग्राउंड है। आओ देखो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइटल से आप लोगों को पता चली गया होगा कि आज हम कहां जा रहे हैं। IPL का सबसे बड़ा मैच लीग स्टेज में, मुंबई वर्सेस CSK। मेरी डॉगी देखो वहां पे मस्त खेल रही है। तो MS धोनी को मैं बहुत टाइम बाद देखने वाला हूँ लाइव, एंड किसको उन्हें नहीं देखना है, चाहे आप कोई भी टीम के फैन हो, या जैसे मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, बट इवन आई वॉन्ट टू सी MS धोनी लाइव एंड कांट वेट। एंड हमारे बहुत ही खास दोस्त को हम लेके जा रहे हैं उनके पहले IPL मैच, पहले क्रिकेट मैच लाइव। IPL का सबसे बड़ा मैच फाइनल्स होता है IPL का। मुंबई इंडियंस 5 बार जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 बार जीती है। IPL का सेकेंड सबसे बड़ा मैच होता है मुंबई वर्सेस CSK का लीग मैच, जो वानखेड़े स्टेडियम में होता है। क्यों मैं बताता हूँ, वानखेड़े स्टेडियम तो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है ही, बट चेन्नई के भी जितने फैंस हैं ना, वो यहाँ पे मतलब बहुत है, क्योंकि एक तो धोनी है, प्लस इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैंस है मुंबई में बहुत ज़्यादा है। एंड 2011 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग छक्का वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ था, तो मुंबई वालों भी बहुत प्यार करते हैं धोनी से। तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि ये मुंबई का होम ग्राउंड है, क्योंकि धोनी के भी और चेन्नई के उतने ही फैंस हैं यहाँ पे। हमारे बहुत ही खास दोस्त को हम लेके आ रहे हैं, उनका पहला क्रिकेट मैच, नॉट IPL, पहला लाइफ का क्रिकेट मैच। गेस कर लिया होगा आप लोग ने अभी तक, मिला भी लेता हूँ। आओ। हेलो। तो ऑब्वियसली आप किसको सपोर्ट कर रही हो तो हमें पता चली गया। किसको? येलो कलर का आपने टॉप पहना है, तो मुंबई को तो नहीं कर रहे होगे आप। मैं मुंबई की हुई नहीं, तो मैं मुंबई को क्यों करूँगी? तो चेन्नई की भी नहीं, चेन्नई क्यों कर रहे हो? मतलब अगर रोहित शर्मा कैप्टन होते तो जरूर मुंबई को करती। अच्छा, ऐसा है क्या? पर नहीं यार, मुझे धोनी बचपन से बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था तब भी वो कैप्टन। बाय द वे, हम आगे हैं, अरुण ये दिखाना चाहिए कि नहीं, तो ये हार्दिक पांड्या की गाड़ी, एंड ये मुंबई इंडियंस के होटल, तो आप देख सकते हो ट्राइडेंट होटल पूरा ब्लू कर दिया लाइट से मुंबई इंडियंस के होटल को। टिकट अपने को मिल गया है, ये देखो, ये रहे अपने टिकट्स, देख सकते हो आप, 7:30 का टाइम दिया है, बट हम पहुंच रहे हैं 8:20, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा फ्लड लाइट्स, आपको पता ही होगा रात के मैच में फ्लड लाइट्स होते हैं, क्या ब्यूटीफुल दिखते हैं बाहर से, आप लोग देख लो। वैसे ही हम 10 ओवर लेट आए, फिर मैडम का लिपस्टिक की वजह से अभी हम लोग को गाड़ी तक जाना है, क्योंकि मैडम की लिपस्टिक, एक लिपस्टिक 10,000 रुपए के, तो लिपस्टिक फेंक नहीं सकते। मैच के लिए 3 लिपस्टिक कौन लेके आता है? मेरे बैग के अंदर पहले जो थे यार, जस्ट वुमन थिंग्स। पहला क्रिकेट मेमोरी क्या है आपका, फर्स्ट एवर क्रिकेट मेमोरी या फर्स्ट एवर IPL मेमोरी? मेरा वर्ल्ड कप का है यार, जब इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप, तभी आप 11 साल के थे। देखा, याद है, लेकिन याद है इतने फटाके वो सब जलाए थे सब फैमिली वाले, तो मतलब MS धोनी ने विनिंग छक्का मारा और इंडिया जीती थी, तो इसलिए आप चेन्नई फैन बन गए। तो अगर वो छक्का अगर मतलब सचिन तेंदुलकर सर मारते तो मुंबई इंडियंस फैन होते, विराट कोहली मारते तो RCB फैन होते। अरे देखो, ऐसा होता है ना कि किसी का पर्सनालिटी जो एकदम ऐसा अलग होता है बहुत लोगों में, किसी को सचिन सर पसंद होगा, किसी को विराट कोहली पसंद। सचिन सर बहुत, जो भी 2000 बॉर्न है ना, उनके फेवरेट या तो विराट कोहली या तो धोनी है, सिर्फ 90s बॉर्न के सचिन तेंदुलकर होते हैं। पर मेरे डैड को तो धोनी बहुत ज्यादा। आपके डैड भी फिर देखे नहीं था क्रिकेट? देखते थे, पागल हो गए मेरे डैड और क्रिकेट ही देखते। इतना तो नहीं, 90s और 80s के अगर होंगे ना, मतलब जो भी पुराने सचिन सर ही है यार, उनके वजह से क्रिकेट फेमस हुए। धोनी तो ऑब्वियसली इंडिया को क्या नहीं जिताया, सबको जिताया है। अच्छा, एड में किया तो पर्सनैलिटी अलग थी। हम लोग अभी अभी आए ग्राउंड में, एंटर किए और आते ही मेरे विकेट गिर गए, मेरे आते ही हार्दिक पांड्या ने विकेट ले लिया। कैसा लग रहा है? मतलब या तो आप चेन्नई के फैन होते हो, या तो मैं मुंबई का मैच स्पॉटर लग गया, मैंने तभी या तो मुंबई जीती है। चलो चलो चलो, मैं तो जितनी बार जीते भाई, जितनी भी बार मैं जितनी बार मैच हर बार जीते हूँ। मुंबई ये
और फिर वो मोमेंट का जो हम सबको इंतजार था, MS धोनी वानखेड़े के पवेलियन से नीचे आते हुए। यार मुंबई CSK जो भी टीम के फैन हो आप, ये मोमेंट जब होता है ना भाई, आप अपने सीट पे खड़े होकर ताली बजाते हो, चाहे वो कोई भी ग्राउंड में हो, किसके भी खिलाफ हो, आप कोई भी टीम को सपोर्ट करते हो। हाला क्या वॉक है, क्या चलते है, देखते हैं मारेंगे कि नहीं, बट मैं तो दिल से चाहता हूँ कि ये आज मारे। भले मुंबई इंडियंस मेरी टीम है, बट ओहो माही मारेगा। फिर हमें लगी थी बहुत तेज भूख, तो हमने मैकडॉनल्ड से एक मैक चिकन और एक मैक वेजी बर्गर लिया। चेन्नई ने मारा 206 ओवर में, मुंबई का टारगेट था 207, और बैटिंग करने आए मुंबई चार राजा रोहित शर्मा। क्राउड तो आप सुन ही सकते हैं। जब रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं ना, ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है खेलने के लिए। बाकी सारे बॉलर ऐसे लगते हैं कि एकदम स्लो डाल रहे हैं, जैसे स्कूल वाले बॉलर। कैसा लग रहा है पॉपकॉर्न? कैरमेल खा रहा हूँ मैं, चीज़ खा रही है पहल, कैरमेल बहुत मीठा। फिर आया सुप्ला शॉट सूर्या कुमार यादव, पिछले मैच के 50 के बाद आज भी मारना चाहिए यार। भाई क्या ही कैच पकड़ा है यार, अगर सूर्या आउट हो गया ना तो मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई, पर क्या ही कैच पकड़ा है भाई, क्या ही कैच पकड़ा है, क्या सीएसके कर रहे हैं लोग, क्या ही। कोई ना सूर्या, नाइस ट्राई, हर मैच में थोड़ी मारेगा यार कोई भी, कोई ना, इट्स ओके, नेक्स्ट मैच मार। ठीक है
जब तक हिटमैन है तब तक जीतना पॉसिबल है। हिटमैन अगर 100 मारता है तो मुंबई इंडियंस शायद जीत सकता है, बट टिम डेविड भी तो है यार। फिर आए हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या। क्या कहना है आपका इसके बारे में? पर हमारे नए कैप्टन और हमारे एक्स कैप्टन एक ही पिच पे एक साथ बैटिंग कर रहे हैं, जिताने वाले हैं। आज दोनों कैप्टन हमें जिताएंगे। यस, रोहित शर्मा ना दरअसल स्ट्राइक पे नहीं आए। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे आएगा ना एक बार? पिछले दो ओवर में बहुत बज रहे हैं चेन्नई वाले, बहुत बज रहे दो ओवर में, इसके पहले पूरा चुप थे ये लोग। 14 ओवर चुप थे ये लोग, 14 ओवर चुप थे अभी दो ओवर में। अभी ट्विस्ट देखो, मुंबई में मैच है, मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स चाहते हैं कि नो पैसा वसूल हो सकते, तो ट्विस्ट ला रहे हो, ट्विस्ट समझे, ट्विस्ट। कान में चिल्लाओ ना, कान में चिल्लाओ ना। और एक छक्का, चार बॉल में 33 रन चाहिए रोहित भाई को, 4 रन चाहिए 100 के लिए, तो रोहित भाई के 100 के लिए रुके हम। दो बॉल में 25 रन चाहिए, डिफरेंस पता है मैच है क्या था? MS धोनी, तो 3 बॉल में 3 छक्के जो मारे, मैच वाइज चेंज हो गया। MS धोनी वॉज द डिफरेंस ऑफ टुडेज मैच। पता नहीं सर चेन्नई वाले कहाँ आ गए। ठीक है धोनी इससे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, धोनी इससे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। इस आदमी की वजह से मैच हारे हम, बट कोई गम नहीं, इनने मारा इसलिए कोई गम नहीं, और कोई होता तो बुरा लगता, बट इनके वजह से। सारे प्लेयर्स यहाँ पे बात करते हैं, यही बता दो फैंस लोग को भी, भाई सब दोस्त है, सब भाई है। मैच खत्म हुआ भाई, कोई MI कोई CSK नहीं, सब फ्रेंड्स है भाई, सारे क्रिकेटर्स है। एंड दिस इज जस्ट अ स्पोर्ट, दे प्लेइंग फॉर देयर टीम, दे प्लेइंग फॉर मनी, दे प्लेइंग प्रोफेशनली आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। देख लो सब दोस्त, सब भाई, सारे CSK मुंबई वाले सब साथ में। वो देखो, वो है इंटरनेशनल ग्रुप, जडेजा बुमराह धोनी वाला। फिर है मुंबई ग्रुप, सूर्या तुषार प्रशांत अर्जुन, मुंबई ग्रुप है, समझ रहे हो। Wait. What are you doing? Tell me the secret behind your height and your body. Height is genetic. Genetic? How is your height genetic? I don't know. How the hell is it genetic? Because Mr. grew. Sachin Tendulkar sir is not so tall. I just grew. Arjun man, we all want to see you play and get Mumbai to top of the table. I wanted more than you people. That is true. प्लेयर्स रूम से फाइनली निकल गए एंड अर्जुन को गुड नाइट बोल दिया है, एंड यू ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स के बैग्स देख सकते हो आप।
तो सारे प्लेयर्स वही फ्लोर पे है एंड सुबह 5:30 बजे का वो लोग का फ्लाइट है, तो वो लोग सब रात को ही अपने बैग्स बाहर रखते हैं, होटल स्टाफ बस में रखवा देते हैं ताकि वो एयरपोर्ट जाके बैग्स पहुंचा दे पंजाब के लिए। अर्जुन ने अपनी जर्सी दी है मुझे, कैप दिया है मुझे, ऑफिशियल प्लेइंग जर्सी। तो मैच में ना रोहित शर्मा, सूर्य कुमार सब लोग मैच में यही पहनते हैं। तो पायल कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा यार, फर्स्ट मैच, मेमोरेबल मैच, मतलब पहला मैच तो ऐसा हो सच में यार, क्या आइकॉनिक मैच में आई हूँ मैं, मतलब। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सीएसके के लिए लकी हो, बोल सकते हैं? फिर आपको इंडिया के मैच तो जाना चाहिए फाइनल, क्या पता जीत जाती। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, येलो ही पहन के जाते, सबको लगता ऑस्ट्रेलिया फैन। मैं स्पेशली सीएसके के लिए पहनती है, तो जर्सी नहीं था तो मंगाते भेजना चाहिए यार अभी उनको। अच्छा उनको भेजना चाहिए। तो अभी अपने पास रोहित शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स का जो मैंने पहना है, सबका जर्सी हो गया है एंड अभी कैप भी लेके आए हम अर्जुन का, और मज़ा आया यार। मतलब मैंने आई थिंक कितने टाइम बाद, आई थिंक 9 साल 8 साल बाद मैच देखने हैं स्टेडियम में, भले ही मेरी टीम ना जीती बट MS धोनी के 3 छक्के बैक टू बैक 3 बॉल में और रोहित शर्मा का 100 और पायल का लाइफ का पहला मैच, तो मुझे भी अच्छा लगा, लाइक यू नो शी वाज एंजॉयिंग। बहुत लोग होते हैं ना सर जो शांत रहते हैं स्टेडियम में या एंजॉय नहीं करते, थोड़ा बहुत ताली बजा देंगे, नाटक करेंगे, वो कितना गर्मी है, कितना चिपचिप है, प्लीज़ घर चलते हैं, एसी में चलते हैं। पायल वाज अमेजिंग, पूरा उसने मैच एंजॉय किया, चिल्ला के नाची है, खड़ी हुई है, ताली बजाई, चिल्लाई है पूरे ग्राउंड में, मुंबई की ग्राउंड में, मुंबई के स्टेडियम में, मुंबई के फैंस के बीच में रह के सीएसके चिल्लाई है। तो गुड, आई एम प्राउड ऑफ दैट। मेरे सारे मुंबई के जो सपोर्टर्स हैं, जो मुंबई के दोस्त लोग हैं, वो लोग मुझे बोल रहे गंदा आ रही है मुंबई, मैं मुंबई की हुई नहीं है। बट नहीं, मजा आया ना आपको? बहुत मजा आया। बढ़िया, मुझे भी बहुत मजा आया, भले मुंबई आ रही बट धोनी को देखना यार फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी टीम हो फर्क नहीं पड़ता। तो यही कह रहे थे कि आप चाहे कोई भी सिटी से हो, कोई भी कंट्री से हो, कोई भी टीम के फ़ैन हो, RCB बोलो, KKR बोलो, दिल्ली बोलो, मुंबई, चेन्नई, कोई भी टीम के फ़ैन हो, बट धोनी जब बैटिंग करता है ना भाई, आप भूल जाते हो कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो और आप बस एंजॉय करते हो। आज पूरी मुंबई की ग्राउंड, ऐसा पहली बार हुआ है कि वांकड़े में मैच है एंड मुंबई के बॉलर्स को छक्का पड़ रहा है बट सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे और एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि MS धोनी बैटिंग कर रहे थे। तो तभी सब भूल जाते हो कि कौन सी टीम के कौन फ़ैन है, क्योंकि MS धोनी है यार। MS धोनी के लिए आप भाई सिर्फ MS धोनी के फ़ैन हो, आप कोई टीम के फ़ैन या कुछ नहीं, सिर्फ MS धोनी के फ़ैन हो। और पूरी मुंबई की ग्राउंड भी ना मज़े से चिल्ला रही थी, बाकी सब CSK के बैटर जब मारे तो सब गाली दे रहे थे या चुप हो रहे थे या हट हट यार ऐसा सैड हो रहे थे, बट जब MS धोनी ने 3 बॉल में 3 मारा ना भाई, सब लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे और भाई अलग वाइब। दुनिया की हर एक मैच और हर एक मोमेंट एक तरफ, और जब धोनी बैटिंग करते हैं ना भाई, वो एक तरफ। एंड फाइनली घर वापस आ गया हूँ, मुंबई जीती नहीं बट हार का भी सब बुरा लग नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि MS धोनी ने मज़ा ही दिला दिया। बट दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग, आई होप आपको मज़ा आया हो, पहली बार मैंने इतना एक लंबा व्लॉग डाला है एंड आप लोग बताओ मेरे को अगर आपकी एक्सपीरियंस पसंद आया तो फिर मैं और मैचेस भी चला जाऊँगा। वैसे मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मैंने सभी देख लिया है क्रिकेट में, इंडिया 2011 वर्ल्ड कप जीती, मुंबई ने IPL जीती है, सचिन सर का लास्ट टेस्ट मैच, तो मैंने सभी देख लिया है, तो ऐसा कोई क्रिकेट मैच बचा नहीं है देखने अदर देन एशेज। बट अगर आप लोग को ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो, आप लोग को देखने में मज़ा आया हो मेरा POV मैच का, तो आप लोग मेरे को बताना, फिर मैं और मैचेस भी चला जाऊंगा एंड मेरे को बताना क्या करूँ मैं स्टेडियम में या प्लेयर्स को क्या पूछूँ, ये सब मेरे को ज़रूर बताना। तब तक ले गुड नाइट, बहुत थक गया हूँ एंड आई होप मुंबई इंडियंस बेटर परफॉर्म करे आगे के मैचेस में। एंड अगर आपको कभी मौका मिले ना कि MS धोनी का कोई भी मैच देखने का इस IPL में, ज़रूर जाना स्टेडियम में एंड देखना, क्या पता शायद उनका लास्ट IPL हो, है ना। तो टेक केयर, गुड नाइट एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी बहुत कुछ आपको देखने मिले, एंड शेयर करना इस वीडियो को विद ऑल द क्रिकेट फैंस एंड ऑफ कोर्स MS धोनी फैंस।